हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निशाज वर्क। आज मैं आपके सामने एक कॉम्बो रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। मैंने कॉम्बो में चाइनीज का एक चिकन मंचूरियन लिया है और उसके साथ मैंने एग फ्राइड राइस लिया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चिकन मंचूरियन के लिए जो चिकन को मैरिनेट करते हैं उसका हम मैरिनेशन का सारा लिख लेते हैं। मैंने चिकन को यहाँ पर 2 घंटे पहले मैरिनेट करके रख दिया था, जिससे चिकन बहुत ही अच्छा जूसी हो जाता है और टेंडर हो जाता है। मैं बताती हूँ मैंने मैरिनेशन के लिए क्या रखा। मैंने सबसे पहले 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला, और ये मैंने पास्ता मसाला लिया है जिसको डालने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने 1 टीस्पून ये पास्ता मसाला डाला है। और फ्रेंड्स, मैं जब भी कोई मैरिनेशन का करती हूँ तो मैं उसमें हमेशा मस्टर्ड पाउडर लेती हूँ। मार्केट में मस्टर्ड सीजनिंग भी मिलती है, लेकिन हम मैरिनेशन में मस्टर्ड पाउडर का यूज करते हैं, जिसको मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर डाला है। और स्वाद के अकॉर्डिंगली मैंने इसमें नमक डाल के इसको मैरिनेशन करके रखा। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर डाला है, 3 टेबलस्पून मैदा डाला है, और इसको मैंने अच्छा मिक्स करके, ताकि ये हाथ से इसलिए मिक्स करना होता है, जो मैंने मैदा लिया है वो पूरा इसके ऊपर कोट हो सके। चलिए, इसके बाद हम इसकी ग्रेवी पे आते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर गार्लिक मिंस करके 6 कलियां मैंने गार्लिक की ली थी, जिसको मैंने पतला पतला काट लिया। इसी तरह मैंने छोटा सा अंदाज से मैंने अदरक लिया, उसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया। 2 मैंने हरी मिर्च ली, उसको भी काट लिया, और मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस ली है, डार्क सोया सॉस ली है। 1.5 टेबलस्पून टमाटो सॉस लिया है, और ग्रेवी के लिए मैंने थिक करने के लिए 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का लिक्विड बना लिया सिर्फ, और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको फ्राई करना। तेल मैंने यहां पर गरम कर लिया था। अभी मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे कर रखा है। चाहे तो आप हाथ धोकर भी अपना डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम इसको हिलाएंगे नहीं, जब तक थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको हिलाएंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई मीडियम हाई पे करेंगे। मैंने ये सारे फ्राई करके निकाल लिए हैं मंचूरियन के, और अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम जो हमने गार्लिक लिया है वो डालेंगे। चाइनीज डिश में गार्लिक और जिंजर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ब्राउन करेंगे।
प्याज डालेंगे। मैंने ये प्याज को चूस में काटा हुआ है और इसी के साथ दो हरी मिर्च हैं जो मैंने चूस करके काटी थी, छोटा सा ब्राउन करेंगे। फिर इसमें शिमला मिर्च जो मैंने चूस में काट ली थी पकाएंगे। इसके बाद जो हमने सोया सॉस ली थी वो हम डालेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा नमक डालेंगे, ध्यान रखिएगा नमक ग्रेवी में भी है, मंचूरियन के जो पकौड़े बनाए हैं उसमें भी है, फ्राइड राइस में भी होंगे, तो नमक को बहुत ध्यान से डालिए, कम होगा तो ऊपर से डाला जा सकता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ग्रेवी बन सके, क्योंकि ग्रेवी काफी उबल गई है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लावर जो मैंने लिक्विड के रूप में बनाया थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि अगर एक साथ डालेंगे तो बहुत लम्ब से बन जाते हैं। बहुत अच्छी ग्रेवी बन रही है, इसको हम चलाते रहेंगे। यस फ्रेंड्स, अब इसमें जो हमने ये बनाई है ये डाल देंगे। कोटिंग पूरी हो जानी चाहिए हमारे जो सॉस बनी हुई है। यस, अब हमारा चिकन मंचूरियन रेडी है, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैंने देखा मेरा चिकन मंचूरियन बिल्कुल रेडी है, अब हम बढ़ते हैं अपने एग फ्राइड राइस की तरफ। यहां पर मैंने मेजरिंग कप से 1.5 कप मैंने राइस लिया था और मैंने उसको नमक डाल के उबाल के पहले ही तैयार करके रख लिया है। मैंने 4x का स्क्रम्बल एग टाइप बनाया जो मुझे इसके अंदर डालना है, और तड़के के लिए मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लहसुन और अदरक इसके लिए बहुत जरूरी है, यहां पर मैंने 8 लहसुन की कलियां डाली, अदरक मैंने अंदाजे से ली है, थोड़ा सा होने के बाद मैं जो अपनी रेगुलर प्याज होती है वो मैं थोड़ी डालती हूँ, क्योंकि मैं जो स्प्रिंग अनियन की जो प्याज होती है उसको मैं प्रेफर करती हूँ डालना। भूनते समय स्प्रिंग अनियन की प्याज डालेंगे, साथ में हरी मिर्च, और सब ये हम हाई फ्लेम पे ही बनाएंगे। मैंने यहाँ पर भी 3 हरी मिर्च लेकर छोटा छोटा काट के मैंने इसमें डाला है, इससे बहुत अच्छा थोड़ा टेस्ट आता है, स्पाइसी लगता है। अब हम इसमें सबसे पहले गाजर डालेंगे, हरी शिमला मिर्च चला लेती हैं, रेड बेल पेपर, येलो, सबको हम चलाएंगे हाई फ्लेम पे, क्योंकि जो वेजिटेबल्स का एक क्रंचीपन रहना चाहिए उसके अंदर।
यस, इसको भूनने के बाद हम ये राइस डाल देंगे। इसमें मैंने जो काली मिर्च रखी थी हाफ टेबल स्पून वो डालेंगे, और मैंने जैसे कि आपको बताया था मैं पास्ता मसाला थोड़ा ऐड करती हूँ जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स थोड़ा ही नमक डालेंगे क्योंकि मैंने थोड़ा चावलों में भी डाल दिया था। ऊपर से हम डाल देंगे सिरका भी डाल दीजिए थोड़ा सा फ्रेंड सोया सॉस भी हम 1 टीस्पून डाल देंगे। अब हम इसको कर टीस्पून हम भर के थोड़ा सा विनेगर और डाल देते हैं। ये मेरी स्प्रिंग अनियन है जो हमने चॉप करके रखी थी, इसके लिए इसी से मैं गार्निश करती हूँ। फ्राइड राइस बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन सब चीजों से। फ्रेंड्स अगर किसी भी रेसिपी में आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी अपनी रेसिपी की डिटेल्स डालती हूँ, तो आप प्लीज वहां से देख सकते हैं। आप बनाइए, बहुत अच्छा लगता है ये। मैं अब आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ। यस फ्रेंड्स, मेरी एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन रेडी है। होप आपको पसंद आई होगी और आप जरूर बनाने की ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।